ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लंदन ओलंपिक्स की। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि जनता की इसके बारे में, इंडियन कंटिंजेंट के बारे में क्या राय है। कहना चाहता हूं कि अपने आप में बिलीफ रखें और यू गिव योर बेस्ट एंड आई एम श्योर गॉड इज ऑन योर साइड। इस बार अगर क्वालिफाई किया तो वो इस बार मेडल जरूर लेके आएंगे, हमें उन पर पूरा भरोसा है। उनकी टीम ने इस बार क्वालिफाई किया है तो हमें उम्मीद है कि वो इस बार गोल्ड मेडल जीत के आए। तो सानू बहुत उम्मीदा ने अपनी हॉकी टीम तो कि इस बार वो साडे लिए गोल्ड मेडल लेके आन। चकते हैं इंडिया एंड कि वहाँ से ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण पदक लेकर आए। सो इस बार लग रहा है कि डेफिनेटली वी आर गोना विन गोल्ड्स इन हॉकी, रेसलिंग एज वेल एज इन बॉक्सिंग एज वेल। सबसे ज्यादा तो नजर टिकी हुई है सुशील कुमार पे और विजेंदर पे। राजेंद्र सिंह तो पक्का ही लेके आएंगे। सारी एक्सपेक्टेशंस है कि सारी हमारी टीम्स जो है गई है वहाँ पे वो पूरे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगी। और सानिया नेहवाल आपको पता ही है। ओपी सिंह, आपने जी मिल्खा सिंह और बाकी व्यूअर्स के विचार सुने, आप इनके साथ सहमत हैं कि बॉक्सिंग और रेसलिंग के ऊपर काफी होप्स हैं? मुझे लगता है कि जब वो खेलें तो जीतने के लिए खेलें, दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना उनको सोचना चाहिए ना हमें सोचना चाहिए। लेकिन कौन सी गेम के ऊपर, कौन सी स्पोर्ट के ऊपर आपको ज्यादा उम्मीद है? बॉक्सिंग में हम काफी इंटरनेशनल लेवल पर, हम जो बेस्ट प्लेयर्स हैं क्यूबा के या इधर रशियन कंट्रीज के हैं जी, उनको पीटते आए, तो हमारे बॉयज में वो टूर्नामेंट टेम्परामेंट है और उनका जो पहले का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और उन्हीं प्लेयरों को जाके वहाँ खेलेंगे वो, तो जाहिर है कि आप में वो नेसेसरी कॉन्फिडेंस है। आप देखें ओलंपिक गेम एक सर्टेन लिमिट के बाद माइंड का गेम है, दिमाग का खेल है जी। जो ये बिलीव करेगा मैं जीतूंगा वो जीतेगा। तो बॉक्सर्स हमारे काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे हैं, हमारे रेसलर्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे हैं। लेकिन पिछली ओलंपिक गेम्स में और बाकी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जो अपने प्लेयर्स हैं, खास करके अपने बॉक्सर्स हैं, रेसलर्स हैं, पिछली बार तो हमारे बॉक्सर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वो टेक्निक में कहीं पे मार खा जाते हैं, तो आपको लगता है कि उस एरिया में हमने काम किया है? बिल्कुल क्या, आप देखें जब भी पटियाला अगर आप कभी गए हो या वहां के बारे में पता किया हो तो जो कोचेज वहां पर हैं दे आर बेस्ट इन द बिजनेस, और कोचेज एक दिन बदले नहीं जाते, रखे नहीं जाते, दे हैव टू वर्क ऑन ए प्लेयर ईयर आफ्टर ईयर ईयर आफ्टर ईयर। तो हमें अपने स्ट्रेंथ पर खेलना है, चेंजेस उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि अपने स्ट्रेंथ को आप शार्पन करें, अपने जो आपके एडवांटेजेस है उसको बिल्ड करें। तो हमारे लड़के मेंटली काफी स्ट्रांग है, वो पहले वाली बात नहीं रही कि एलियन टर्फ पर हम बड़े बड़े लोगों को खेल रहे हैं तो हमारा कोई चांस नहीं है। टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस भी है जी, उनके पास। वो पिकनिक को नहीं जा रहे, वो जीतने को जा रहे, दैट इज द डिफरेंस। जी, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी गेम के जो प्लेयर्स हैं उनके उनसे ज्यादा उम्मीद है हमें? जी, शूटिंग और बॉक्सिंग का इस समय हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये दो ऐसे इवेंट हैं कि जिसमें हमारा हाल की घड़ी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो ये दो इवेंट ऐसे हैं कि जिसमें हमें पदक की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हॉकी से कितनी आशाएं आपको, क्योंकि बीजिंग में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे? जी बिल्कुल, इस बार जो हमने क्वालिफाई किया है ये एक अच्छा साइन है हॉकी के लिए कि हम लोग अपनी नेशनल गेम को उस जिसको कि स्पोर्ट्स का मक्का कहा जाता है ओलंपिक गेम्स उसमें हम देख पाएंगे, पर जो हॉकी का पीछे की घड़ी में जो परफॉर्मेंस रहा है वो इनके फेवर में नहीं है, पर जो ओलंपिक गेम्स है ये एक तरह का टोटली डिफरेंट गेम रहती है कि जिसमें आप जाके क्या कर जाएं वो शायद खुद एथलीट को भी नहीं पता कि वो किस रो में कुछ चमत्कार कर दे। जी, जो वहां पे हॉकी प्लेइंग सरफेस है ब्लू टर्फ है जो, उसके ऊपर अपने प्लेयर्स जो है एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर कई डाउट्स एक्सप्रेस की गई हैं। जी, ये चीज भी एक सबसे बड़ी खामी हमने देखी है अपनी फेडरेशन की या अपने सिस्टम की, क्योंकि जो ब्लू टर्फ है ये पिछले 1.5 साल से लॉन्च हो चुका है जी, और हमारे इधर पिछले 3 महीने में आया था जबकि हमने उस टर्फ पे एक भी बार प्रैक्टिस नहीं की, पर अभी हमारी फेडरेशन ने काफी टूर्स दिए हैं हॉकी टीम को और मैं समझता हूँ कि अभी तक वो सेट हो चुके होंगे, क्योंकि ये एक अलग तरह का सरफेस है जिसमें बाउंस है, एकदम से नई टर्फ है जिसमें स्लिपरी है, और एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है कि आपको कब कहाँ पे क्या करना है वो एक चीज है, वो आपको अभ्यास कर करके ही आप बिजी। तो आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप क्या कहेंगे कि अपनी टीम के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं हॉकी टीम की? जी, हमारी टीम की जो वीकनेस है वो बेंच स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम लोगों ने
जो इंटरनेशनल पॉलिसी है जिससे कि हम 18 प्लेयर लेके जा सकते हैं और उसमें रोटेशन कर सकते हैं, तो हमने दूसरी टीम में एक एक गोलकीपर के साथ आई है, हम लोग दो गोलकीपर लेके जा रहे हैं जिसका कि हमारा बेंच स्ट्रेंथ काफी कमजोर हो जाता है, और हम लोग दो ड्राइव फ्लिकर लेके जा रहे हैं जिसके साथ कि हम एक टाइम पे एक ही ड्राइव फ्लिकर को गेम में रख सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिससे कि हमारी टीम को कमजोरी कहीं ना कहीं लगता है कि वो कमजोर हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो संदीप सिंह इस समय फॉर्म में है, हमारी फॉरवर्ड लाइन काफी फॉर्म में है, अगर हमारी फॉरवर्ड लाइन प्लांटी कॉर्नर हासिल करते हैं तो संदीप सिंह हमें उसका एक फायदा दिलवा सकते हैं जिससे कि हम बड़ी टीमों के ऊपर प्रेशर और दबाव बना सकते हैं। जी गुरमीत, आपको क्या लगता है कि फिटनेस जो है हॉकी टीम की उसका लेवल कैसा है? फिटनेस के लिए मैंने बहुत सालों से, मैं राजपाल के साथ भी फिटनेस पे काम किया है, राजपाल को मैंने पर्सनली 10 सालों से ट्रेन किया है पिछले, तो राजपाल विद बॉल और विदाउट बॉल बलजीत भी मेरे से सहमत होगा बड़ा फास्टेस्ट एथलीट रहा है, तो उस लेवल के जो एथलीट हैं उनमें इंडिया की टीम में जैसे सरदारा है या एक दो और प्लेयर है वो फिट है, लेकिन फिटनेस जो है फॉरवर्ड लाइन की फिटनेस अलग तरह से तैयारी होनी चाहिए, जो डिफेंडर्स हैं क्योंकि आजकल देखो जो ऑफसाइड वाला रूल नहीं है तो आगे पीछे हर एक को भागना है, जो सारे के सारे प्लेयर भागेंगे अभी वर्ल्ड कप फुटबॉल होकर हटा है, आप वॉच करो कि स्पेन की टीम क्यों जीती है, सारे प्लेयर भागते हैं, सारे प्लेयर चाहे उसके बॉल है चाहे नहीं है उन्होंने पोजीशन लेने के लिए भागना है, तो ये मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए कि भी चाहे बॉल है चाहे नहीं है लेकिन हमने अपनी पोजीशन बनानी है, तो इंडियन हॉकी टीम उससे फायदा उठा सकती है अगर जो सारे प्लेयर मिलके एक कॉपरेट होके मतलब ग्रुप में काम करेंगे। बाकी खेलों में से कौन से गेम के खिलाड़ियों से आपको ज्यादा आशा है? इंडिया में सर एथलेटिक्स की इस बारी बड़ा अच्छा कंटिंजेंट गया है जिसमें वॉकर्स हैं हमारे 20 किलोमीटर रेस वॉक के जो एथलीट है गुरमीत सिंह उसने रिकॉर्ड बनाया, वो वर्ल्ड के बहुत नजदीक है तो वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी जो कृष्णा पूनी है डिस्कस में विकास गौड़ा डिस्कस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और बैडमिंटन में पूरे उम्मीद है और टेनिस में बहुत उम्मीद है क्योंकि सायना मिर्जा और जो लैंडर पेसर दोनों मिलकर मिक्स डबल में वहां पर इंडिया को मेडल दिला सकते हैं, और बॉक्सिंग में तो है ही है उन गेमों में तो है ही है, और एक हमारी एक आर्चरी की टीम है जो वुमेन की आर्चरी टीम काफी स्ट्रांग है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनमें से काफी हमें मेडल मिलने के चांस है, अगर जो मेंटली थोड़ा भी आपने आपको मतलब फ्लो जो इन्होंने बात करी है अभी आपने बोला तो फ्लो दैट इज अ पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो फ्लो में अगर वो आ जाए अभी इट्स फ्लो में आना चाहिए उनको, फ्लो मींस व्हेन एवरीथिंग कम्स इन योर वे आप अपनी टीम की मेंटल स्ट्रेंथ को यू नो बिल्डअप करने के लिए अपनी टीम में कोई ऐसा एफर्ट किया गया है? आई डोंट नो किया है, लेकिन फ्लो के लिए ट्रेनिंग होती है, मेंटल टफनेस के लिए देर इज अ ट्रेनिंग, फ्लो एक ऐसा वर्ड है जो कि मतलब पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ जाता है, हमें एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट टीम के साथ अटैच किए होंगे डेफिनेटली टीम में होंगे, लेकिन उनको समझकर उनको फ्लो में लेके आना दैट इज वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है और उसमें आना चाहिए एथलीट्स को इस लेवल पे। जी गुरमीत, ये पहली बार है कि विमेन एथलीट से काफी आशाएं हैं, आर्चरी में जैसे आपने कहा दीपिका कुमारी वर्ल्ड नंबर वन है, बैडमिंटन में सायना नेहवाल वर्ल्ड 4-5 नंबर पे आती हैं, वो बॉक्सिंग में मैरी कॉम उनके ऊपर काफी उम्मीदें हैं, और रेसलिंग में गीता फोगट, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन मेडल मार सकते हैं? मुझे सायना नेहवाल पे पूरा भरोसा है कि वो मेडल इंडिया को दिलाएगी, और सायना मिर्जा और लैंडर पेस मिलकर मिक्स डबल में 100% मेडल है सर, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल पे ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, उनको पता है कि कैसे मेडल है, वो ले सकते हैं मेडल, उन पे मुझे पूरी उम्मीद है। जी ओपी सिंह, हरियाणा ने पदों को लाने के लिए काफी बड़ी राशि रखी है, गोल्ड मेडल के लिए शायद 2.5 करोड़ और सिल्वर के लिए 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़, सो टोटल कितनी जो राशि है लग की हुई है, ईयर मार्क की हुई है मेडल्स के लिए? एनी अमाउंट, ब्लैंक चेक है। ओके, वैसे आपको क्या लगता है कि कितने मेडल्स आप, जैसे आप कह रहे थे कि 10 मेडल्स की आपने एक लिमिट रखी हुई थी, या लगता था कि 10 मेडल आएंगे, तो वैसे जब आप बात करते हैं आपने बाकी कोचेस के साथ तो क्या उम्मीदें हैं? कहीं देखिए हमारा रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट है, जीतना हारना उस दिन के खेल पर डिपेंड करता है, उससे एथलीट अच्छा या खराब नहीं होता है, जिस दिन क्रूशियल मैचेस में अगर वो अपने जोन में तो अपने से 10 रन हायर को भी पीट सकता है जी, तो हमारे प्लेयर में क्रिटिकल क्वालिटी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक लेवल पर जीतने के लिए जो क्रिटिकल स्ट्रेंथ चाहिए हमारे रेसलर्स में है, कई शूटर्स में है, बॉक्सर में तो है ही है, अब उस दिन रिंग में कैन दे होल्ड, कैन दे राइज टू द ओकेजन,
That's the challenge. तो चूंकि हमने बलजीत हरियाणा का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, लेकिन पंजाब देखा जा रहा है कि ग्रेजुअली पिछड़ रहा है। इस समय हॉकी और शूटिंग को छोड़कर आई थिंक पंजाब का जो प्रदर्शन है वो काफी निराशाजनक है जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसकी? जी, कहीं ना कहीं जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें कई खामियां हैं, जिससे कि हमारे प्लेयर्स जो पंजाब से बिलोंग करते हैं वो दूसरी स्टेट्स की तरफ से जाके खेलते हैं। हरियाणा की मैं पॉलिसी की दाद देता हूं कि इन्होंने प्लेयर्स को अपनी ओर आकर्षित किया है, दूसरी स्टेट के प्लेयर्स भी हरियाणा की तरफ से खेलना चाहते हैं, पंजाब के प्लेयर भी हरियाणा से खेलना चाहते हैं, कि ये एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप कर रहे हैं। और पंजाब को वो चीज इनसे सीखनी चाहिए कि हमें कुछ भी अच्छे लेसन किसी से मिलते हैं तो हमें उसको अपनी हीनता नहीं समझनी चाहिए, उसमें हमें बहुत एक बड़ी बात है। गुरमीत, आपको भी लगता है कि बाकी राज्यों को भी हरियाणा की तरह एक तो अवार्ड्स बिल्कुल बिल्कुल राशि बढ़ानी चाहिए और बाकी भी कुछ जो प्रॉपर स्कीम है, ट्रेनिंग स्कीम है, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, हरियाणा से सीखना चाहिए बिल्कुल। उधर से देखो 18 एथलीट्स सर ने जैसे बताया, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि स्कूलों में 18 एग्जैक्टली हरियाणा से नहीं है लेकिन हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्योंकि देखो हरियाणा ने ऐसी अपनी इंसेंटिव पॉलिसीज बनाई है ताकि जैसे बलजीत ने कहा कि यस अट्रैक्ट हो रहे हैं प्लेयर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी स्कूल में बच्चे हैं अगर हम उनको फिजिकली लिटरेट कर देना, फिजिकली लिटरेट मींस कि वो एक बच्चा अच्छी तरह भागना सीख जाए, कैसे भागते हैं, कैसे बेसिकली जंप करना, बेसिकली थ्रो करना, ये चीजें फिजिकली लिटरेट आप बच्चे को कर दो स्कूलों में, बच्चा को जिस मर्जी गेम में डाल दो बच्चा चल जाएगा। जैसे हरियाणा की स्कीम है, स्पैट पर करना चाहिए स्कीम है। यस, क्योंकि समय खत्म हो गया, आपका इस डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत सर थैंक यू सो मच। लंदन ओलंपिक गेम्स के लिए जो इंडियन कंटिंजेंट गया है वो अब तक का बेहतरीन दल माना जा रहा है। हमारे खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करते हैं वो तो 12 अगस्त को ही पता चलेगा, लेकिन इस दल से सभी को यही उम्मीद है कि ये एथेंस और बीजिंग ओलंपिक से बेहतर प्रदर्शन करें। हम भी इसी उम्मीद के साथ आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।